छोटेकाजी मंडी में जिला मंडी जन कल्याण समिति के नाम से एक संस्था का गठन किया गया है। समिति मंडी जिला के लोगों की समस्याओं को उजागर करने का प्रयास करेगी। साथ ही जिला मंडी जन कल्याण समिति मंडी शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वय बनाने का भी प्रयास करेगी। छोटे काशी मंडी में जिला मंडी जल कल्याण समिति के नाम से एक संस्था का गठन किया गया है। समिति मंडी जिला के लोगों की समस्याओं को उजागर करने का प्रयास करेगी। साथ ही जिला मंडी जन कल्याण समिति मंडी शहर व ग्रामीण क्षेत्र में समन्वय बनाने का भी प्रयास करेगी। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान समिति के संस्थापक हरीश शर्मा ने बताया कि जिला मंडी जन कल्याण समिति सरकार व प्रशासन के साथ मिलकर मंडी शहर के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करेगी और शहर की समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि मंडी शहर 2030 तक इंडिया का सबसे सुंदर शहर बने, जिसके लिए जिला मंडी जन कल्याण समिति प्रयास करेगी। इस अवसर पर जिला मंडी समिति के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला मंडी के कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज आपस में मिलके बातचीत की और सब ने ये फील किया कि मंडी के लिए कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कि पूरी मंडी के लोगों की समस्याओं को उजागर कर सके। और मंडी जिला के, चाहे वो गांव के निवासी हैं चाहे वो शहर के निवासी हैं, सबकी सुविधा के लिए काम करें, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए सभी लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक ऐसी संस्था का हम गठन करेंगे जिससे कि गाँव और शहर में आपस में एक समन्वय बने और सबकी तरक्की हो, सबका भला हो और हम अपने लोगों को अपनी मातृभूमि से जोड़ें और अच्छा काम करें। और उसके साथ साथ ये जो हमारा जिला मंडी का हेडक्वार्टर है, मंडी है, इसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार करवाएं इसको, ताकि ये जो हमारा शहर है बाई 2030 तक हमारा जो ये शहर है ये हिमाचल प्रदेश का ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष का सबसे सुंदर शहर बने, ताकि यहाँ को जो अगर नेचुरल ब्यूटी हम देखते हैं तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो व्यवस्था हम लोगों ने बिगाड़ के रखी हुई है शहर की, उसको दुरुस्त करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करवा के और इसको कौन सी फैसिलिटी कहाँ चाहिए, किस तरह से चाहिए, उसके लिए ये संगठन काम करेगा। और अब ये नहीं होगा सिर्फ कि हम पेपर में देंगे चीज़ें या चिट्ठियां लिखेंगे, हम जन जन को जोड़ेंगे। और मेरा आप इस माध्यम से सभी जितने भी निवासी हैं, खासकर मंडी शहर के और आसपास के इलाकों के और पूरे जिला के, कि इस संस्था के आप सदस्य बने, एक मुहिम क्रिएट करें, ताकि हम जो हमें ये मंडी शहर या मंडी जो हमारा है, हमें कौन सी फैसिलिटीज कहाँ चाहिए, उसके लिए आओ सब मिलके काम करें और आगे लेके चलें। तो उसमें सबसे पहला जो काम है, जो सभी भाइयों ने मिलके, सभी जितने भी निवासी हैं उन्होंने मिलके तैयार किया है, कि सबसे पहले हम हरिद्वार के अंदर, हमारे मंडी जिला का कोई भी यात्री निवास नहीं है, जहाँ से लोग जाते हैं उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, तो उसको हम 8515 के तहत सरकार से आग्रह करके और काम करके हम उसको अच्छा से अच्छा यात्री निवास बनवाएंगे। उसके साथ साथ जो भी मुद्दे हमारे शहर के हैं, खासकर पार्किंग का मुद्दा है, पानी के पीने के जो रेट्स हैं उसका मुद्दा है, जैसे यहाँ पे हमारे पुल का जो मुद्दा है कि अभी पुल नहीं बना है, कई सालों से इसका उद्घाटन हो चुका है पुरानी मंडी से पड्डल का, उसको प्रायोरिटी पे लेना है। उसके साथ साथ जो ऐसी इमारतें हैं जो कि जर्जर हो चुकी हैं या जहाँ जिनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसको दुरुस्त करवा के या उसकी जगह नई इमारतें बनवा के जनता को उसका फ़ायदा हो, उसके लिए हम सब काम करेंगे। तो मैं सभी हाथ जोड़कर, जितने भी हमारे मंडी शहर के निवासी हैं और जिला के निवासी हैं, उन सब से आग्रह करता हूं कि आओ सब मिलकर इसमें सहयोग करें और जन एक हम ऐसा मुहिम खड़ा करें, ताकि और सरकार का हम साथ दें, सरकार को हम बताएं कि किस तरह से काम हम चाहते हैं कि ये काम किस तरह से हो, उसके लिए हम सब काम करें।